दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास रेमेडी दे रहा हूं, जो कि आपके जुपिटर, आपके चंद्र और साथ में आपके बुध, तीन प्लैनेट को बैलेंस करेगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो सुख समृद्धि धन पैसा दो ग्रहों के पास में है। इन दोनों ग्रहों का योग यदि मिल जाता है तो इसे कहा जाता है गज केसरी योग, यानी कि गुरु बृहस्पति और चंद्र। अब देखिए, कोई कोई जो ऐसा होता है कि जिसके जन्म के साथ में ही गज केसरी योग उसके बर्थ चार्ट में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बर्थ चार्ट में गज केसरी योग बना नहीं सकते। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा आप गज केसरी योग अपने बर्थ चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपके बुध कैसे बैलेंस होंगे, देखिए धागा लेना है आपको एक पीले रंग का, साथ में लेना है आपको एक हल्दी की गांठ। हल्दी जो है ये आपके जुपिटर है, साथ में हल्दी जो होती है लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा भी बरसाती है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। आपने देखा है कोई भी शुभ काम होते हैं, पूजा हो गई, शादी विवाह हो गया, हल्दी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो हल्दी का सबसे बड़ा काम यह है कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को यह ऑब्जर्व कर लेती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है, धन संचय में आपको बहुत हेल्प कराती है, धन की बरकत में हेल्प कराती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसाती है। तो ये प्रयोग दोस्तों आपको हल्दी की गांठ से और एक पीले धागे से करना है। देखिए ये प्रयोग सबसे हटके है, शायद ही कोई आपको ये प्रयोग बताएगा, ठीक है। ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है, किसी भी गुरुवार के दिन से आप इस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। तो थोड़ा सा पांचांग वगैरह अपना कैलेंडर देखते रहे, जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो सिर्फ गुरुवार से पुष्य नक्षत्र से 7 डेज आप इस प्रयोग को करिए, 11 डेज करिए। और उसके बाद में तो दोस्तों अगर ये जो गुरुवार को प्रयोग करेंगे लेकिन गुरु पुरुष से नक्षत्र में करेंगे तो इसका 5000 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन ये प्रयोग आप गुरुवार के दिन तो करें, आपको फिर भी बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेगा। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो, और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए YouTube में तो जो रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर जो रेमेडीज देते हैं जनरल होती हैं, सभी के लिए होती हैं, किसी को रिजल्ट देती हैं, किसी को नहीं देती हैं। आप यदि काफी उपाय कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, समस्या का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक बार अपना बर्थ चार्ट चेक करा लीजिए, क्योंकि बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जो अनबैलेंस है, उसको जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी समस्या यदि कोई भी रेमेडीज की जाती है तो समस्या का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो यदि बर्थ चार्ट अपना मुझे चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है या कंफर्म नहीं है, आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी हर एक समस्या का आपको 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ आप देख पाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। इस प्रयोग को आप गुरुवार के दिन में करेंगे, रात्रि में करेंगे, अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं नहीं करेंगी, और पुरुष यदि कर रहे हैं तो नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, इन चीजों को अवॉइड करके करेंगे। कोई भी स्टोन पत्थर ना पहना हो, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको प्रयोग करना है, अगर पीला कपड़ा पहन करके करते हैं प्रयोग बहुत ही अच्छा है। संध्या समय करेंगे, मतलब रात्रि में 12 बजे से पहले इस प्रयोग को आपको कर लेना है गुरुवार के दिन में। एक हल्दी की गांठ ले लेनी है, हल्दी की गांठ को पहले स्वच्छ कर लें, मतलब गौमूत्र से, कच्चे दूध से या गंगा जल से, और एक पीला धागा उसको भी स्वच्छ कर लें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं दोस्तों कि बाहर से कोई भी चीज लाते हैं तो उनको शुद्धता जरूर करें,
तभी उसका अच्छा चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलता है। तो उनको शुद्ध कर लें, अपने घर के पूजा स्थान में बैठें, अगर पीले कपड़े पहन सकते हैं तो पीले कपड़े पहन लें, और नहीं तो पीला आसन लगा लें, सिर्फ पीला कपड़ा डाल लें। सामने एक बाजोट एक पटरा लगाएं, घी का दिया जला लें, किसी पात्र में हल्दी की गांठ और ये पीला धागा को रखें, और उसके बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, और उसके बाद में आपको वहीं बैठ करके 108 बार एक मंत्र आपको पाठ करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम शह गुरवे नमः, ओम शोम शोमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे, ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। अब हल्दी की गांठ में बीचों बीच आपको ये धागा जो है बांध देना है, मतलब हल्दी की गांठ होगी तो बीचों बीच आपको गांठ लगा देनी है, 3 गांठ लगानी है आपको गिन करके, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये घड़ी जैसा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सीधे हाथ में बांध लेना है और रात बांध करके आपको सो जाना है, और कुछ नहीं करना है। हाँ, जब प्रयोग कर रहे होंगे तो अपने मन में ये विचार रखें कि किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, दुर्भाग्य से छुटकारा के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक संकट से दूर होने के लिए, धन की बरकत के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, है ना। तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, मन में ये विचार रखते हुए प्रयोग करेंगे। हाथ में बांध करके आपको सो जाना है। अब दूसरे दिन आप क्या करेंगे, इसको जैसे सुबह उठते हैं तो उतार करके पूजा स्थान में रख दीजिए, रात्रि में सोने जाने लगते हैं फिर से बांध लीजिए। 11 दिन तक आपको ये क्रिया करते रहना है, हर 11 रात्रि तक इसको बांधते जाएंगे, और फिर बाद में सुबह उठ करके पूजा स्थान में रख दीजिए। 12वें दिन आपको इसको क्या करना है, उठा करके और इसको किसी बहते हुए जल में या फिर पीपल वृक्ष में, अगर तुलसी का पौधा घर में है तो तुलसी में इसको दबा दीजिए, नहीं तो पीपल वृक्ष में इसको रख करके आ जाइए। बहता हुआ जल है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दीजिए। हर महीने में दोस्तों अगर ये 7 दिन अगर ये प्रयोग आप करते रहते हैं, कंटिन्यू आपने 5 महीने इस प्रयोग को कर लिया, दोस्तों आप चमत्कार खुद देखेंगे कि गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर चंद्र बुध ये तीनों मिलकर ऐसी युति बनाएंगे कि आपकी जिंदगी में कभी भी धन पैसों की कमी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों देखिए, प्रयोग को करते हैं तो विश्वास के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में करिए, पवित्रता का ध्यान रखते हुए करेंगे तभी ये चीजें आपको रिजल्ट देंगी, ठीक है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट, एक ही बार के प्रयोग से इसका रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा, और कंटिन्यू आप हर महीने इस प्रयोग को करते रहेंगे तो बहुत ही सोने पे सुहागा, कोई खर्चा नहीं लगना है, बस थोड़ी सी आपको 5-10 मिनट अपने आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से ये होगा कि जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जब वो लाइक कर रहे हैं वीडियो को, ऐसी जानकारी यूट्यूब आप लोगों तक रिकमेंड कर रहा है, आप लोग लाइक करेंगे और लोगों को जिसको जानकारी की जरूरत है तो यूट्यूब उन लोगों तक रिकमेंड कर देगा। आपका एक छोटा सा लाइक और लोगों की हेल्प कर सकता है, तो लाइक जरूर कर दिया करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, कोई खर्चा नहीं लगना शेयर करने में, लेकिन जितने लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, जिनको लाभ मिलेगा, आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे, तो शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।